नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बालों पे जेल लगाते हैं या फिर क्रीम लगाते हैं जो बालों को सेट करती है और आपको डर लगता है कि आपके बाल सफेद हो जाएंगे या फिर आपके बाल थोड़े से रफ हो जाएंगे उसके बाद, तो आप अपने बालों को किस तरह से बचा सकते हैं उस जेल को लगाते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी ये सेट वेट यूज करता हूं और मेरे पास दो तीन और भी क्रीम्स हैं जो मैं अपने बालों को सेट करने के लिए यूज कर सकता हूं। अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों पर लगा हुआ है सेट वेट, और अब मैं ये अराउंड आप मानोगे, मैं सच में ये पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों की क्वालिटी कोई खराब नहीं है। बाल मेरे वैसे ही काले हैं, कोई व्हाइट बाल नहीं आए, अभी सिल्की स्मूथ बाल हैं। तो ये आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं जेल लगाते हुए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने बालों पर सेट वेट लगाते हैं या फिर कोई और क्रीम लगाते हैं, तो आपको सबसे सिंपल एक चीज क्या करनी है इस जेल या फिर क्रीम को लगाने के लिए, कि अब आप कोकोनट ऑयल लें या फिर आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, अच्छी अमाउंट में ले, बहुत थोड़ा सा नहीं, और अपने बालों पे अच्छे से वो कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल लगा लें। उस ऑयल को लगाने के बाद अपनी सेट वेट वाली क्रीम या फिर आप जो भी किसी भी आप जेल को यूज करते हैं, आप उस जेल को अपने बालों पे लगाएं, तो उससे आपके बाल बचे रहेंगे, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, ना ही आपके बाल रफ होंगे। इसके पीछे रीजन मैं बताता हूं क्या है। जब आप अपने बालों पे ऑयल लगा लेते हैं तो एक लेयर मिल जाती है, एक लेयर आ जाती है आपके बालों के ऊपर, और जो केमिकल्स हैं इन जेल में या फिर क्रीम्स में, वो आपके बालों को डैमेज नहीं कर पाती। और वो डैमेज इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बालों को एक लेयर मिली हुई है, तो वहां तक वो केमिकल पहुंच ही नहीं पा रहा। और दूसरी जो चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप जब भी इन जेल को लगाएं तो आप अपनी स्कैल्प को बचा लें। मतलब अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो आप ऐसे बिल्कुल स्कैल्प पे टच करते हुए ना लगाएं, क्योंकि रूट्स में अगर आप केमिकल इन्वॉल्व करेंगे, रूट्स में अगर आप केमिकल डालेंगे अपनी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके बाल नीचे से रूट से ही खराब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ऊपर ऑयल लगा भी रहे हैं, रूट्स पर भी अच्छे से अगर आप ऑयल लगा रहे हैं, तो भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि अगर आपके रूट से खराब हो जाएंगे तो आपके बाल पूरी तरह खराब हो जाएंगे। क्योंकि कई आपने देखे होंगे कि जेल लगा लेते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, उसके बाद वो बाल कटवा लेते हैं, बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, और उसके बाद उनके बाल बिल्कुल ठीक आते हैं। वो इसी वजह से ठीक आते हैं क्योंकि उन्होंने रूट्स पर अपने ये जेल या फिर कोई क्रीम नहीं लगाई होती। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड रहना है तो स्कैल्प पे भी इस जेल या क्रीम को ना लगाएं। और दूसरी चीज, इन चीजों को लगाने से पहले अपने बालों की ऑयलिंग अच्छे से कर लें, सो दैट आपके बाल प्रोटेक्टेड रहें। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करें। रिकमेंड मैं यही कहूंगा कि आप हफ्ते में शायद अगर दो या तीन बार लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रोज रोज ना लगाएं तो मतलब आपके बालों को डैमेज पहुंच ही सकता है। कोकोनट ऑयल मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट है। बाद में मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आप अपने बालों के अच्छे से नरिशमेंट कैसे कर सकते हैं, विटामिन ई डाल के आलमंड ऑयल में, ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। पर अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जान से पहले इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, या फिर शेयर नहीं भी करेंगे तो प्लीज दोस्तों को एक तरीका बता देना अगर आपने वीडियो देख लिया, सो दैट उनके बालों का भी भला हो जाए और 30-35 तक वो लड़कियां पटा सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।